कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में आपने ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट पढ़ा। ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट ने ये बताया कि डीएनए आपका जेनेटिक मटेरियल का काम करता है। डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल का काम करता है ये प्रूव करने के लिए आपके एवेरी मैकलियोर और मैककार्टी ने एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने ग्रिफिथ के ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट को ही प्रूफ किया। तो देखिए कैसे, सबसे पहले इन्होंने हीट किल्ड जो एस टाइप था, हीट किल्ड एस टाइप बैक्टीरिया से प्रोटीन, आरएनए और डीएनए निकाला। क्या किया उन्होंने, ये हीट किल्ड वाला बैक्टीरिया था जिसका कैप्सूल खत्म हो गया था। अब उन्होंने ये एस टाइप कैसा था, हीट किल्ड, इसमें से इन्होंने, इसके मिक्सचर से इन्होंने प्रोटीन, आरएनए और डीएनए निकाला। ठीक, फिर आपके कल्चर मीडियम लिए अलग अलग, और इन सभी कल्चर मीडियम में आर टाइप वाला बैक्टीरिया रख दिया। मतलब अलग अलग तीन जगह कल्चर मीडियम लिए और तीनों में आर टाइप वाला बैक्टीरिया रख दिया। फिर क्या किया उन्होंने, एक में प्रोटीन डाली, कौन सी वाली, हीट किल्ड एस टाइप वाली, एक में आरएनए डाला और एक में डीएनए डाला। भाई ये सारी चीजें उन्होंने हीट किल्ड एस टाइप वाले से निकाली थी, और फिर क्या किया उन्होंने, तीनों में अलग अलग ये मटेरियल डाला। तो देखा इन दोनों में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, मतलब इन दोनों में आर टाइप वाला बैक्टीरिया एस टाइप वाले, मतलब कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया में कन्वर्ट नहीं हुआ, पर इसमें हो गया। इसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। तो ये क्या देखा उन्होंने, तो मेन चीज जब उन्होंने तीनों में अलग अलग मटेरियल डाला तो इन दोनों में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। मतलब ये आर टाइप वाला कैप्सुलेटेड एस टाइप बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो गया, ये वायरुलेंट हो गया, पर ये दोनों वैसे के वैसे ही रहे। तो इस एक्सपेरिमेंट से क्या प्रूफ हुआ कि डीएनए ही है जो आपके जेनेटिक इंफॉर्मेशन पहुंचाता है, बाकी आरएनए प्रोटीन इनमें से कोई भी जेनेटिक मटेरियल का काम नहीं करता, इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचाता, केवल डीएनए ही है जो आपके क्या करता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन पहुंचाता है। इसी कारण जब इस कल्चर मीडियम में आर टाइप में डीएनए डाला तो ये आपका एस टाइप कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो गया। तो ट्रांसफॉर्मेशन केवल इसमें ही हुआ जहां डीएनए डाला। तो इससे ये प्रूफ हो गया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल का काम करता है। देखिए कंफर्मेशन के लिए हमारे साइंटिस्ट ने क्या किया, मतलब ये जो आपके मैककार्टी का एक्सपेरिमेंट था जिन्होंने ये प्रूफ किया कि डीएनए ने ही ट्रांसफॉर्मेशन किया है, तो उसको और प्रूफ करने के लिए और कंफर्म करने के लिए उन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया। देखिए क्या, सबसे पहले उन्होंने हीट किल्ड एस टाइप वाले को आर टाइप से मिलाया, कल्चर मीडियम में लिया है सारा कुछ, सब कुछ किसमें लिया, कल्चर मीडियम, हीट किल्ड एस टाइप वाले को आर टाइप से मिलाया और इस मिक्सचर में उन्होंने प्रोटीन, डाइजेस्टिव एंजाइम डाला,
आरएनए डाइजेस्टिव एंजाइम डाला, ठीक है, और इधर दूसरा कल्चर मीडियम लिया, उसमें भी हीट किल्ड एस टाइप और आर टाइप का मिक्सचर लिया, दो कल्चर मीडियम लिए, दोनों में ही हीट किल्ड एस टाइप और आर बैक्टीरिया का मिक्सचर लिया, एक मिक्सचर में उन्होंने प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम और आरएनए डाइजेस्टिव एंजाइम डाला और दूसरे मिक्सचर में उन्होंने डीएनए डाइजेस्टिव एंजाइम डाला। फिर उन्होंने देखा क्या, इसमें तो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, इसमें तो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, पर इसमें ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, क्यों? देखिए, इस मिक्सचर में जब उन्होंने प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम डाला तो मिक्सचर की सारी प्रोटीन खत्म, आरएनए डाइजेस्टिव एंजाइम डाला मिक्सचर के सारा आरएनए खत्म, केवल क्या बचा, डीएनए, केवल डीएनए बचा, और इसके डीएनए ने आर टाइप वाले को इंफॉर्मेशन दे दी और आर टाइप वाले का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, क्लियर। लेकिन इस मिक्सचर में उन्होंने डीएनए डाइजेस्टिव एंजाइम डाला तो डीएनए डाइजेस्टिव एंजाइम डालने से इस मिक्सचर का सारा डीएनए खत्म हो गया। अब सारा डीएनए जब खत्म हो गया तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, तो इस एक्सपेरिमेंट से ये कंफर्म हो गया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल का काम करता है। तो ये आपके कंफर्मेटरी एक्सपेरिमेंट से उन्होंने ये प्रूफ कर दिया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल का काम करता है।